योर हाईनेस एक्सलेंसीज नमस्कार 140 करोड़ भारतीयों की ओर से तीसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है पिछले दो समिट में मुझे आप में से कई साथियों के साथ मिलकर काम करने का अवसर मिला मुझे अत्यंत खुशी है कि इस वर्ष भारत में आम चुनावों के बाद एक बार फिर आप सब से इस मंच पर जुड़ने का अवसर मिल रहा है फ्रेंड्स 2022 में जब भारत ने जी ट्वेंटी अध्यक्षता संभाली तो हमने संकल्प लिया था कि हम जी ट्वेंटी को एक नया स्वरूप देंगे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट एक ऐसा मंच बना जहां हमने विकास से संबंधित समस्याओं और प्राथमिकताओं पर खुलकर चर्चा की और भारत ने ग्लोबल साउथ की आशाओं आकांक्षाओं और प्राथमिकताओं पर आधारित जी ट्वेंटी एजेंडा तैयार किया एक समावेशी और विकास केंद्रित अप्रोच से जी ट्वेंटी को आगे बढ़ाया इसके सबसे बड़ा उदाहरण वह ऐतिहासिक क्षण था जब अफ्रीकन यूनियन ने जी ट्वेंटी में स्थायी सदस्यता ग्रहण की फ्रेंड्स आज हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब चारों ओर अनिश्चितता का माहौल है दुनिया अभी तक कोविड के प्रभाव से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाई है दूसरी ओर युद्ध की स्थिति ने हमारी विकास यात्रा के लिए चुनौतियां खड़ी कर दी हैं हम क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों का सामना तो कर ही रहे हैं और अब हेल्थ सिक्योरिटी फूड सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी की चिंताएं भी हैं आतंकवाद अतिवाद और अलगाववाद हमारे समाजों के लिए गंभीर खतरा बने हुए हैं टेक्नोलॉजी डिवाइड और टेक्नोलॉजी से जुड़ी नई आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां भी सामने आ रही है पिछली सदी में बने ग्लोबल गवर्नेंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस सदी की चुनौतियों से लड़ने में असमर्थ रहे हैं फ्रेंड्स यह समय की मांग है कि ग्लोबल साउथ के देश एकजुट होकर एक, हो एक स्वर में एक साथ खड़े रहकर एक दूसरे की ताकत बने हम एक दूसरे के अनुभवों से सीखें अपनी क्षमताओं को साझा करें मिलकर अपने संकल्पों को सिद्धि तक लेकर के जाएं, मिलकर दो तिहाई मानवता को मान्यता दिलाएं, और भारत ग्लोबल साउथ के सभी देशों के साथ अपने अनुभव अपनी क्षमताएं साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है हम आपसी व्यापार समावेशी विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्रगति और विमेन लेड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना चाहते हैं पिछले कुछ वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल और एनर्जी कनेक्टिविटी से हमारे आपसी सहयोग को बढ़ावा मिला है मिशन लाइफ के अंतर्गत हम न केवल भारत में बल्कि पार्टनर देशों में भी रूप टॉप सोलर और रिन्यूएबल पावर जनरेशन को प्राथमिकता दे रहे हैं हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन और लास्ट माइल डिलीवरी के अपने अनुभव को साझा किया है ग्लोबल साउथ के विभिन्न देशों को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई से जोड़ने की पहल की है एजुकेशन कैपेसिटी बिल्डिंग और स्किलिंग के क्षेत्र में हमारी पार्टनरशिप में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है पिछले वर्ष ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमेंट फोरम की भी शुरुआत की गई और दक्षिण यानी ग्लोबल साउथ एक्सेलेंस सेंटर हमारे बीच कैपेसिटी बिल्डिंग स्किलिंग और नॉलेज शेयरिंग पर काम कर रहा है फ्रेंड समावेशी विकास में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई का योगदान किसी क्रांति से कम नहीं है हमारी जी ट्वेंटी अध्यक्षता में बना ग्लोबल डीपीआई रिपोजिटरी डी पर अब तक का पहला मल्टीलेटरल कॉन्सेंसस था हमें खुशी है कि ग्लोबल साउथ के 12 पार्टनर्स के साथ इंडिया स्टैक साझा करने संबंधित समझौते हो चुके हैं ग्लोबल साउथ में डीपीआई में तेजी लाने के लिए हमने सोशल इंपैक्ट फंड बनाया है भारत इसमें 25 मिलियन डॉलर का शुरुआती योगदान करेगा फ्रेंड्स हेल्थ सिक्योरिटी के लिए हमारा मिशन है वन वर्ल्ड वन हेल्थ और हमारा विजन है आरोग्य मैत्री यानी फ्रेंडशिप फॉर हेल्थ हमने अफ्रीका और पैसिफिक आइलैंड देशों में अस्पताल डायलिसिस मशीनें, जीवन रक्षक दवाएं और जन औषधि केंद्रों के सहयोग से इस मित्रता को निभाया है मानवीय संकट के समय भारत एक फर्स्ट रिस्पोंडर की तरह अपने मित्र देशों की सहायता कर रहा है चाहे पापुआ न्यू गिनी में ज्वालामुखी फटने की घटना हो या कीनिया में बाढ़ की घटना हमने गाजा और यूक्रेन जैसे कॉन्फ्लिक्ट क्षेत्रों में भी मानवीय सहायता प्रदान की है फ्रेंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम उन लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को आवाज दे रहे हैं जिन्हें अब तक अनसुना किया गया है मेरा मानना है कि हमारी ताकत हमारी एकता में है और इस एकता के बल पर हम एक नई दिशा की ओर बढ़ेंगे अगले महीने यूएन में समिट ऑफ द फ्यूचर हो रही है इसमें पैक्ट फॉर द फ्यूचर पर बात चल रही है क्या हम सब मिलकर एक सकारात्मक अप्रोच ले सकते हैं जिससे इस पैक्ट में ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद हो इन विचारों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं अब मैं आप सभी के विचार सुनने के लिए उत्सुक हूं बहुत बहुत धन्यवाद